और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो जैसे कि आपको पता है कि आज से हमारा एक कोर्स शुरू होने वाला है जो ये फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पे है, जिसको FLN भी बोला जा रहा है। तो उसमें जैसे कि आपको पता है कि कोर्स शुरू हो गए हैं और दो कोर्सेज हमको इस अक्टूबर के महीने में करने हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इसके लिए कि आपको जो दीक्षा का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, आप यहाँ पर तो ध्यान से देखिएगा और वैसे ही अपने कोर्सेज को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि उसमें सर्टिफिकेट जो अचीव करना है वो एक मैंडेटरी उसका एक रिक्विजिट है। तो उसको आप देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, आपको कोर्स को सर्च करना होगा। सर्च कैसे करेंगे, देखिए जैसे ये ऊपर एक सर्च बार बना हुआ है, सर्च बार में आपने जैसे ही क्लिक किया वैसे ही आपको कोर्सेज दिख रहा है। यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है डिजिटल टेक्स्ट बुक कोर्सेज टीवी क्लासेस, तो आपको कोर्सेज में क्लिक करना है। तो कोर्सेज में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर जो एक कुछ टैब्स बने हुए आ रहे हैं, अदर्स, ICT इन एजुकेशन, ट्रेनिंग, तो इसमें आपको CPD पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप CPD में क्लिक करते हैं तो हमको उत्तराखंड के अपने दो कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, जो कि पहला है आपका UK_ बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय, और दूसरा है दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। तो आपको इन दोनों कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करना है, और उस रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो रहेगी वो 25 अक्टूबर है। इसका मतलब आपको उससे पहले पहले उन कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन अपना कर लेना है। तो मैं एक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि हम पहले वाला कर लेते हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान विषय का परिचय। तो उसमें आप क्लिक करेंगे तो देखिए ज्वाइन कोर्स आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि लास्ट डेट टू ज्वाइन 25/10/2021। तो आपको ज्वाइन कोर्स करना है, तो ज्वाइन कोर्स हमने कर लिया है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरा कोर्स भी ज्वाइन कर लेना है, लास्ट में यहाँ पर एग्री टिक कर लेना और शेयर। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट रनिंग आ रहा है। अब देखिए बेसिकली क्या है इसमें, करना क्या है आपको, जो कोर्स मॉड्यूल्स हैं, देखिए कोर्स मॉड्यूल्स इसमें दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। टोटल इसमें 10 मॉड्यूल्स हैं जिसमें एक लास्ट वाला मूल्यांकन है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको प्रोग्रेस दिखाई जा रही है, जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपकी प्रोग्रेस जो है वो भी जो आगे बढ़ती रहेगी। अभी 0% कंप्लीटेड है। देखिए हम कुछ खोल के देखते हैं, तो जैसे हमने देखा कोर्स का सिंहावलोकन, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कोर्स डिटेल्स और कोर्स मॉड्यूल्स है। तो कोर्स मॉड्यूल्स में आप जैसे क्लिक करते रहेंगे, जैसे कोर्स का सिंहावलोकन में आप क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ मॉड्यूल्स खुल के आएंगे, और उन मॉड्यूल्स को आपको जैसे कुछ में कुछ PDFs हैं और कुछ वीडियोज़ हैं बेसिकली, और कुछ गतिविधियाँ हैं। गतिविधियों में आपको कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के आंसर करने रहेंगे, जैसे ट्रू फॉल्स हैं या आपके एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चन को आपको टिक करना रहेगा। और वो जो क्वेश्चंस इसके बीच में आएंगे उन क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन में कोई रोल नहीं है, तो उसको अगर आप गलत भी करते हैं तो उसको फिर से ऑप्शन आएगा उसमें सही करने का। तो उसका नॉर्मल इवैल्यूएशन में कोई रोल नहीं है। जो 70% वाला जो इवैल्यूएशन है वो सिर्फ लास्ट में जाके ये मूल्यांकन में है। जब मूल्यांकन में आप क्लिक करेंगे तो प्रश्नोत्तरी आएगी, तो उस मूल्यांकन को जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे, लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। उन 20 में से आपको मिनिमम आपको 70% स्कोर करना है, तभी आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो पाएगा। जैसे जैसे देखिए आप इन कोर्सेज को करते रहेंगे तो आपका जो ये परसेंटेज जो बढ़ता रहेगा, जैसे कि मैंने ये जितने भी इसके कंटेंट है ये लगभग सारे देख लिए हैं, तो और सिर्फ मेरा एक ही कंटेंट इसमें रहता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा आधारभूत अधिगम में, उसमें एक मॉड्यूल में भी देख नहीं पाया हूँ। तो बाकी लगभग मैंने सारे मॉड्यूल्स देख लिए हैं और सिर्फ मेरा लास्ट का वैल्यूएशन पार्ट है वो रह गया है। तो मेरी जो प्रोग्रेस है वो 93% आपको दिखाई दे रही है। तो जैसे ही मैं इन सबको कंप्लीट कर लूँगा तो मेरी जो प्रोग्रेस है वो 100% हो जाएगी। और अगर मैं जहाँ मेरा जो इवेल्यूशन है उसमें अगर मैं 70% से ज़्यादा मार्क्स ले आता हूँ तो मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। इन केस कि अगर हमारे 3 अटेम्प्ट में भी 70% मार्क्स नहीं आते हैं तो हमारी जो प्रोग्रेस है वो 100% नहीं होगी और हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसे ही कोशिश कीजिएगा और ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। और मैं चाहता हूँ कि 70% के आप सभी लोग 100% मार्क्स लेके आएँ और इस कोर्स को बहुत अच्छे से करें। थैंक यू सो मच। जैसा कि अब आप देखा आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी हमारे इसमें मॉड्यूल से कोर्स का सिंहावलोकन से लेके और मूल्यांकन तक अभी सारे पे टिक हो गए हैं। मतलब ये जो ग्रीन टिक जब आ जाते हैं इसका मतलब आपके सारे कोर्सेज हो गए हैं, और अभी जो 100% इसका जो डिटेल जो प्रोग्रेस थी वो अभी दिखा नहीं रहा अभी, क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स, तो मतलब इसका जो पहला वाला कोर्स है जब आपका ये मैसेज आपको दिखाई देने लगता है यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स, तो इसका मतलब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट आपका
जो आपका प्रोफाइल है वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। देखिए कहाँ पर आता है वो सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट में मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये बन के आ रहा है सर्टिफिकेट, एक तो आपकी जहाँ पर आपका प्रोफाइल जहाँ पर खुलता आता है, जहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आती हैं, उसको आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें माई लर्निंग आता है। तो माई लर्निंग में तो कुछ कोर्स आता है, लर्नर पासबुक, लर्नर पासबुक में जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके यहाँ पर आते हैं। कई बार क्या होता है कि जब आपने कोर्स कर लिया तो कोर्स करने के वो कभी 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 तुरंत ही आ जाता है, और कभी कभी उसमें टाइम भी लग जाता है, उसमें एक दिन से लेकर और एक हफ्ते का टाइम भी लग सकता है। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने अगर कोर्स पूरा कर लिया है और अगर आपके पास वो मैसेज फ्लैश हो गया है, इसका मतलब आपका कोर्स कंप्लीट है और जो भी प्रोसेस सर्टिफिकेट के लिए होनी है वो बैक एंड में होनी है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर आपकी समझ में इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।